फास्ट फास्ट करते रहो, फास्ट पैर उठा के, पैर उठा के, हाथ चलने दो, पूरा हाथ चलने दो, और उठा, पैर उठाओ, पैर उठाओ, पैर उठाओ। जो मैं देखा इनको, मैं एक्सरसाइज करा रहा था, वर्कआउट, सांस कैसे लेना है वो बताऊंगा आज मैं आपको। अब ये नॉर्मल ब्रीथिंग कर रहे थे, लेकिन अब मैं इसको दो ग्रुप में डिवाइड कर दूंगा, अभी सभी थके हुए हैं। लेकिन बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं, रनिंग की तैयारी करने वाले 1600 मीटर की, सांस कैसे लेना है, आप जब रनिंग करते हैं मुंह से लेना है या नाक से लेना है या नाक मुंह दोनों से लेना है, ठीक है। तो पहले मैं आपको इनको, आपको एक्सपेरिमेंट बताऊंगा, मतलब आपके सामने प्रैक्टिकल पूरा करके बताऊंगा, उसके बाद बताऊंगा कि रीजन कैसे, क्या सांस लेना चाहिए और क्या उसका फैक्ट रहता है। तो रेडियो, अब यहां से लेके 5 यहां तक, ठीक है, तुम अपनी नॉर्मल ब्रीथिंग करोगे, ठीक है। नॉर्मल ब्रीथिंग करना जैसे तुम सांस लेते हो, और तुम ये जो 5 इधर के 6 लोग हो, तुम्हें मुंह बंद करके नाक से सांस लेना है, ठीक है, ठीक है। रेडियो, 30 सेकंड लगभग चलेगा ये, रेडी स्टार्ट। इनका मुंह भी खुला हुआ है, नाक भी खुली हुई है, और इनका मुंह बंद है, इसको देख सकते हो, मुंह बंद है इनका। ये मुंह फास्ट करो, थोड़ा फास्ट करो, ये चलते रहो, चलते रहो। आप चेक कर सकते हो, इनका मुंह बंद है, सिर्फ नाक से सांस ले रहे ये, और इनका मुंह खुला हुआ है और नाक मुंह दोनों से सांस ले रहे ये, ठीक है। करते रहो, करते रहो, करते रहो, थोड़ा थकना चाहिए, तब तुम समझ में आएगा ब्रीथिंग कंट्रोल का क्या रहता है महत्व। शाबाश शाबाश, चलते रहो, शाबाश, वेरी गुड, चलते रहो, चलते रहो। मुंह नहीं खोलना है तुम्हें, मुंह नहीं खोलना है अभी, मुंह नहीं खोलना है, ठीक है, मुंह खोलना नहीं है, और तुम चलते रहो नॉर्मल अपना, शाबाश शाबाश शाबाश, मुंह नहीं खोलना है, ठीक है, मुंह मुंह बिल्कुल भी नहीं खोलना है अपना। बस वही चीज दिखाना चाहता हूं मैं कि सांस लेने का क्या रहता है इफेक्ट, कैसे क्या सांस लेना चाहिए। चलते रहो, चलते रहो, रुकना नहीं, रुकना नहीं, रुकना नहीं, शाबाश शाबाश, पैर उठाओ, पैर उठाओ, पैर उठाओ, पैर उठाओ, इसका मुंह नाक दोनों खुला हुआ है, स्टॉप, बस, ठीक है। अब पहले जो मुंह और नाक से सांस ले रहे थे वो ठीक, इनमें चलते, ठीक है। ये कितने लोग ले रहे थे यहां तक, ठीक है, तुम्हें नॉर्मल, मतलब थक रहे थे, थक तो सभी रहे थे, लेकिन सांस लेने में कोई दिक्कत आ रही थी, नहीं आ रही थी ना। तो मुंह और नाक दोनों से सांस लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, अब इनके पास चलते से पूछते हैं। अब इनका मुंह बंद था सभी का, तुम्हारा सबका मुंह बंद था, नॉर्मल सांस तुम ऐसे नहीं लेते हो, तो तुम्हें कोई समस्या आ रही थी, आ रही थी, क्या आ रही थी, हाँ, सांस ज्यादा फूल रही थी, सांस ज्यादा क्यों फूल रही थी, अब इसका रीजन बताता हूँ दोस्तों मैं। ये कुछ बच्चे थे जो नॉर्मल अपनी ब्रीथिंग कर रहे थे, मुंह से सांस ले रहे थे, नाक से भी ले रहे थे, और दोनों से एक्सहेल इनहेल दोनों से हो रहा था, ठीक है। ऐसा नहीं आपने नाक से सांस ले लिया, मुंह से छोड़ दिया, ये कॉम्बिनेशन कभी नहीं बैठता रनिंग में। और ये बच्चे नाक से ही सांस ले रहे थे और नाक से ही छोड़ रहे थे, ठीक है। अब इनका डिफरेंसेस मैं बताता हूँ। अब ये जो बच्चे रहते हैं जिनका नाक और मुंह दोनों सांस लेते हैं, आप अपना एक हार्ट रहता है, अपने जो लंग्स रहते हैं, जो फेफड़े जो रहते हैं, उसकी एक कैपेसिटी रहती है। अब जब आपका ब्लड सर्कुलेशन हो गया फास्ट, फास्ट ब्लड सर्कुलेशन हो गया, एक बोतल लेके आना बेटा, एक बोतल उठा के लाओ, कोई वेरी गुड, बहुत अच्छी बोतल आई, ये बोतल है आप बाई चांस, ये आपका लंग्स है, ये आपकी बॉडी है, ये आपकी बॉडी समझ लो, ये आपका लंग्स है, ये है आपकी नाक, ये नाक है, और ये है आपका मुंह और नाक दोनों, ठीक है, ये नाक और मुंह दोनों आ गए, ये समझ लो आप, नाक मुंह दोनों आ गया इसका, ठीक है। अब आपकी बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन जब आप रनिंग कर रहे हो, जब एक्सट्रीम पोजीशन उस पे जा रहे हो वर्क पे, जब आप, तो आपको आपके लंग्स से जा सारे पार्ट से उनको फ्यूल ज्यादा चाहिए, फ्यूल ज्यादा चाहिए मतलब समझ रहे हो, ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए, फ्यूल क्या होता है हमारा, ऑक्सीजन। अब ब्लड को ज्यादा ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो वो ब्लड में क्या, आपका बॉडी जल्दी थकने लगेगी, आपका जो लंग्स है वो जल्दी फास्ट करेगा, क्योंकि बाकी जो सिस्टम है उसको ऑक्सीजन ज्यादा पहुंचानी है, पूरा सिस्टम चल रहा है तो उसको ज्यादा फ्यूल चाहिए, है ना, तेज चलेगी अपनी गाड़ी, आपकी ब्लड सर्कुलेशन इतना फास्ट होगा, गाड़ी तेज चलेगी तो उसको ज्यादा से ज्यादा फ्यूल चाहिए। अब सिर्फ आप नाक से सांस ले रहे हो तो आपकी पहली समस्या आ सकती है, एक तो थकने वाली, जल्दी थकोगे, ठीक है, दूसरी आपके चेस्ट में और पेट में दर्द होना, क्योंकि अपने फंक्शन, बॉडी फंक्शन के सारे सिस्टम कहाँ है, मेनली यहाँ नहीं है, सिस्टम कहाँ है, पूरा अपना नेक से लेके यहाँ तक, आपका लंग्स हो गया, किडनी हो गया, आपका हार्ट्स हो गए, सारे सिस्टम यहाँ पे। अब इनको ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए, ऑक्सीजन किसको चाहिए, लंग्स को चाहिए, क्योंकि लंग्स और ये जो अपना हार्ट है जो धड़कता है या फास्ट धड़कता है फेफड़े, वो और ब्लड को ज्यादा से ज्यादा मूव करता है अपनी बॉडी में। तो आप सिर्फ अगर नाक से सांस लोगे तो इतनी क्वांटिटी में ऑक्सीजन जा नहीं पाएगी जब आप रनिंग फास्ट करते हो। ये नॉर्मल पोजीशन में नहीं कह रहा हूँ कि आप नॉर्मल रहते हो तब मुंह से सांस ले, सिर्फ रनिंग करने के टाइम की बात है। तो अगर आप
सिर्फ इसी से ही सांस लोगे नाक से, तो इसको ये सिस्टम तुम्हारा पूरा इसको भरने में टाइम लगेगा, तो आप जल्दी थकोगे। लेकिन अगर आप पूरे नाक और मुंह दोनों से सांस लोगे, नोज़ल से छोड़ोगे, तो इसको भरने में टाइम कम लगेगा ना। अब ऐसे ही पानी भरेंगे अपन, इससे पानी भरेंगे तो जल्दी भर जाएगा या इससे जल्दी भर जाएगा खोल के? तो नाक और मुंह दोनों खोल के अगर सांस लोगे, दोनों से छोड़ोगे, इसको खाली भी करने रहेगा तो भी सिस्टम सेम है। इसको आप खाली करोगे तो इसमें आपको टाइम लगेगा इसको खाली करने में, है ना। मतलब जल्दी से बाहर अपनी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं आ रही है, लेकिन इससे क्या होगा, जल्दी होगा। तो जल्दी सांस ले पाओगे और जल्दी छोड़ पाओगे। तो दोस्तों ये चीज ध्यान रखिए, आप जब रनिंग करते हो तब ऐसा नहीं करना है कि आप पूरा मुंह बंद करके दौड़ रहे हो, तो आपकी बॉडी इतनी टाइट होगी दोस्तों कि मैं कह नहीं सकता। बहुत सारे बच्चे रहते हैं जो रनिंग करने में अच्छे रहते हैं, लेकिन उनके साथ ये प्रॉब्लम रहती है, मतलब या फिर वो ऐसा करते हैं, तो वो गलत है। आपको जब सांस लेते हो तब आपको ध्यान रखना है कि नाक और मुंह, स्टार्टिंग की नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन एक बात और ध्यान रखे, नाक और मुंह से सांस ले रहे हैं स्टार्टिंग का नहीं तो, लेकिन अपना जो ये रहता है सिस्टम, इसको कंट्रोल रखे बॉडी को। ऐसा नहीं कि नाक मुंह से बोल दिया तो अपने को ऑक्सीजन ज्यादा पहुंचानी है तो जल्दी जल्दी सांस ले। अपनी बॉडी जितनी ज्यादा कंट्रोल रखोगे सांस को, अपनी ब्रीथिंग को जितना ज्यादा कंट्रोल रखोगे, उतना लंबा रनिंग कर पाओगे, उतना कम थकोगे, ठीक है। तो ये बेसिक पॉइंट आप ध्यान रखें कि जब भी रनिंग करते हैं सांस का कोई लेन देन नहीं है, अपनी नाक से लेना है, मुंह से लेना है, फास्ट रनिंग करते हो तब माउथ और नोस दोनों ही ब्रीथिंग कर सकते हो आप दोनों से ही, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है सबसे ज्यादा, और बाकी और भी ऐसी चीजें मैं आपको बताऊंगा जिसके बारे में रनिंग से रिलेटेड फैक्ट जो होते हैं वो आपको बहुत ज्यादा जरूरी है जानना, जिससे आपको आपकी रनिंग जो इम्प्रूव हो, 1600 मीटर की टाइमिंग अच्छी आए, मैं सबको चाहता हूँ। जल्दी हमारा वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें दोस्तों, ताकि अच्छे और भी बाकी जो फौजी भाई है जिनको सही गाइडेंस नहीं मिल पाता है वर्कआउट करने के लिए, उन तक ये वीडियो पहुंचे और उनको कुछ ना कुछ सीखने का मिले। तो अगली बार फिर मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत, भारत माता की जय।